हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने गैलरी पे जाकर प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे देख सकते हैं गैलरी पे जाकर, तो प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह आप कैसे देख पाएंगे एंड आप कैसे शो कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं तो प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे देख सकते हैं एंड आप शो कर सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर गैलरी में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो करें तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे जिस पर जाकर आप गैलरी में जाकर प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप देख सकते हैं। सिंपली आइकन शो करें, जिसमें से फाइल्स पर जाना है, फाइल्स पर जाकर फाइल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब आप जाते हैं अपने गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि सिंपली आपके पास जैसे इमेज गैलरी आ रही है और कोई भी फ़ोटो से आप उनको सेलेक्ट करके प्राइवेट कर देंगे। जैसे हम इस फ़ोटोज़ को प्राइवेट कर दिया हमने फ़ोटोज़ को, तो उन प्राइवेट फ़ोटोज़ को वापस कैसे आप देख सकते हैं एंड आप शो कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे प्राइवेट एल्बम में, तो सेव फोल्डर पर जाना है, जहाँ से कुछ इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। इससे पासवर्ड डालते हैं आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप फ़ोटोज़ को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और देख पाएंगे वीडियोस वगैरह भी शो होती हैं फ़ोटोज़ भी। तो इस तरीके से प्राइवेट फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, आप शो कर सकते हैं चाहें तो फ़ोटोज़ वगैरह को सेलेक्ट करके आप वापस अपने फ़ोन की गैलरी पर भी शो कर सकते हैं और वापस गैलरी पर शो कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को देख सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेते जाकर वीडियोज़ को शेयर करें।